हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसे 50 क्वेश्चन जिनमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर बार बीएसटीसी में पूछे जाते हैं, यानी आपके राजस्थान जीके में से जो क्वेश्चन बनते हैं 5 से 6 क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और उम्मीद है इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अलवर को कहते हैं। फिर हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम आपके भटनेर है दोस्तों। अब देखो, भटनेर तो भटनेर है, तो भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये मिट्टी से निर्मित एक ऐसा किला है और सबसे प्राचीन किला है। कौन सा किला? हनुमानगढ़ का किला, अर्थात भटनेर का दुर्ग। फिर कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर। कर्क रेखा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माही नदी की सहायक नदियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान जीके में बनने वाला। तो चाप, औराई, एरन और एराव। दोस्तों, चाप, औराई, एरन और एराव माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन, तो दोस्तों जहाँ पर भी आपको अभ्रक दिखे तो आपको भीलवाड़ा ही बताना है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा में होता है। राजस्थान में हीरे की खान, राजस्थान में हीरे की खान पूछें तो केसरपुरा में। नेक्स्ट है, उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो उड़न गिलहरी के लिए आपके सीता माता अभयारण्य, ठीक है दोस्तों। फिर राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, कौन से जिले में होते हैं? तो है बारां। राजस्थान का मैनचेस्टर अभ्रक की नगरी, ये देखो भीलवाड़ा। मैंने अभी कहा था दोस्तों, जहां पर आपको अभ्रक मिल जाए भीलवाड़ा ही बताना है। और राजस्थान का मैनचेस्टर ही किसे बोलते हैं? भीलवाड़ा को बोलते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों, ये होता है गोटन, नागौर में। आपके जो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट है उसका उत्पादन गोटन, नागौर में होता है। फिर है आपके सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपको बताना है नागदा में। कहाँ स्थित है? नागदा में। फिर है राणा प्रताप की छतरी जो कि बांडोली में है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक उपज मंडियाँ कहाँ स्थित हैं? यानी कृषि की जो मंडियाँ हैं वो कहाँ उपस्थित हैं? तो आपके कोटा में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे राजस्थान का जलमहल बायाडू कुआ स्थित है, तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है आपके बाड़मेर में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? कपास को ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुरो या हाड़ौती का खजुरो, क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं दोस्तों। राजस्थान का मिनी खजुरो भी पूछ सकते हैं, या राजस्थान का हाड़ौती का खजुरा किसे कहते हैं? तो आपको भंडदेवरा बताना है। फिर है नेक्स्ट, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? ये पूरा अलग है, राजस्थान का खजुरा और ये मिनी है, ठीक है। तो ये राजस्थान का खजुरा जो कि किराडू। फिर है राजपूताना की कुंजी किस जिले को कहा गया है? अजमेर को। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर, यानी राजस्थान का ताजमहल किसे कहे हैं दोस्तों? जसवंतथड़ा जोधपुर को। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसियां को, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सचाई माता का मंदिर भी है, ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट, राजस्थान की साल्ट सिटी यानी सांबर झील, अर्थात जयपुर। साल्ट सिटी क्योंकि जयपुर में साल्ट सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सांबर झील है दोस्तों, ठीक है, जो कि सबके खारे पानी की झील है। राजस्थान की साल्ट सिटी सांबर जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का चेरा पूंजी तो है झालावाड़। राजस्थान का शिमला किसे कहा गया है? माउंट आबू, क्योंकि ये बहुत ही राजस्थान का ठंडा इलाका है दोस्तों, माउंट आबू, ठीक है। और नक्की झील पूछ ले तो भी आपको क्या बताना है? माउंट आबू में, ठीक है, अर्थात ये सिरोही में स्थित है। रत्न नगरी किसे बोलते हैं? जयपुर को। फिर राजस्थान का पूर्वी द्वार, राजस्थान का पूर्वी द्वार धौलपुर है जो कि आपकी सबसे छोटा जिला है दोस्तों। फिर है राजस्थान का जलियांवाला बाग, तो वो है मानगढ़ बांसवाड़ा में, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना मानगढ़ में है और ये कहाँ है? बांसवाड़ा में है। छोटी काशी अर्थात दूसरी काशी किस जिले को कहा गया है? तो वो आपके बूंदी दोस्तों। फिर है भक्ति शक्ति एवं साधना की नगरी,
मेड़ता सिटी अर्थात मीरा नगरी, जिसे हम मीरा नगरी भी बोलते हैं, वो है मेड़ता सिटी। फिर है हाड़ोतिक सॉरी पहाड़ों की नगरी, जो कि आपके डूंगरपुर में है। पहाड़ों की नगरी कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर में है। फिर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, फिर है पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस कौन है दोस्तों? उदयपुर। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कौन सा है दोस्तों? टोंक है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यान रखें दोस्तों, इनमें से 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन हर बार बीएसटीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर है देवताओं की उपनगरी, देवताओं की उपनगरी कौन सी है? पुष्कर, जहां पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों, ठीक है। फिर है अपने पूर्व पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस, आपकी क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस कौन है? तो है आपके जयपुर। राजस्थान की शैक्षिक राजधानी है तो वो है अजमेर। राजस्थान का कश्मीर, अगर हमें पूछ ले राजस्थान का कश्मीर तो आपको बताना है उदयपुर। फिर है जल महलों की नगरी, जो कि डीग। जल महलों की नगरी कहाँ स्थित है? डीग में। ख्वाजा की नगरी अजमेर। हेरिटेज सिटी, जो कि झालरापाटन में है या उसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ। भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है? रणथंभौर को। किन दो नदियों के संगम को सामेला कहा जाता है? तो आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध के संगम को सामेला कहा जाता है दोस्तों, अर्थात आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सामेला किसे कहा जाता है? तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम को। कोटड़ा का किला, जो कि कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। फिर आपके खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध अर्थात बूंदी में किन के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य, और ये कब हुआ था? 1518 में। फिर है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, तो अलगोजा है दोस्तों। कंदोरा कहाँ पहना जाता है? तो कंदोरा आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? ये याद रखें दोस्तों, राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह बारठ को कहा जाता है। आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो वो आपकी हुई है बेड़च। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो वो है जवई बांध, अर्थात जवई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करें।